हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोनटेक पर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रियलमी 7 की अनबॉक्सिंग, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और जो फरवरी की अभी सेल लगी हुई थी, इस सेल में मैंने इसे ऑर्डर किया था और ये अभी मेरे पास पहुँच चुका है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ, इसका फर्स्ट इंप्रेशन कर आपको दिखाता हूँ ये कैसा मोबाइल है और कैसी इसकी लुक है। आइए इसे अभी ओपन कर लेते हैं एक बार। और जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स देखने को मिलता है और यहाँ पर बिल वगैरह देखने को मिलता है। और मैंने जो सेल में से ऑर्डर किया था तो यहाँ पर एक ऑफर अप्लाई हो गया था, किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करने पर आपको 1000 का डिस्काउंट मिलता है, जिसके वजह से वो मुझे 13,999 रुपये का पड़ा है, मतलब लगभग 14,000 रुपये का मुझे पड़ा है ये इस सेल की वजह से। अगर किसी के पास ICICI क्रेडिट कार्ड था तो उसको 2000 रुपये की छूट थी, तो उसको 13000 रुपये का पड़ता है, 12,999 रुपये का। तो इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सस्ते वाले सलमान खान देखने को मिले हैं, 14000 रुपये में सलमान खान देखने को मिलते हैं इसके बॉक्स में। और जो रियलमी इनके एंड में जो रियलमी 7 दिखाई दे रहा है, अगर बात करें प्राइस वगैरह की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर प्राइस है जो 17,999 रुपये दिखाया गया, लगभग 18,000 के आसपास दिखाया गया है प्राइस। और यहाँ पर कैमरा वगैरह, रैम वगैरह के बारे में, स्क्रीन साइज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है और बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आइए अभी इसे ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। और यहाँ पर जो पन्ने में पैक है ये पन्ना, इसका पूरी तरह हटा लेते हैं हम, जैसे इस पॉलिथीन को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 16:64 टाइम पे कैमरा आपको मिलता है और LG 95 प्रकाश से मिलता है, 30W चार्ज मिलता है और 90Hz का जो अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिलती है और मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसे ओपन कर लेता हूँ बॉक्स को अभी मैं, और जैसे सील ब्रेक करके बॉक्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर एक बॉक्स दिखाई देता है और जिसके अंदर देखने को मिलता है हमें TPU केस। उस TPU केस को बाहर निकालते हैं हम और इसके साथ में, और ये बॉक्स पूरी तरह खाली हो चुका है, इस बॉक्स में कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी। साथ उसके अंदर पिन जरूर होगी, पिन भी छपी हुई है उसके ऊपर लिखी, इसी वजह से पिन भी जरूर उसके अंदर मिलेगी। मेन बॉक्स को पूरी तरह ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर एक TV स्टैंड दिखाई देता है, जिसकी रील में कहता है कि ये जो TV स्टैंड है ये डिस्प्ले के लिए है, जिससे कहा जा सकता है कि अच्छी डिस्प्ले होगी इसकी जरूर। और यहाँ पर जो TPU केस मिलता है इसकी क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है, वैसे तो ये 5-10 रुपये वाला कवर ही लग रहा है, लेकिन आपको पता ही है ये थोड़े दिन बाद येलिश हो जाता है और ऐसे ये कुछ दिन काम चलाने के लिए होता है, आपको दूसरा तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है आपको, या प्रेम पत्र आप इन्हें कह सकते हैं, ये फ़ोन के जो लवर है उन्हें वो इन्हें पढ़ सकते हैं, वरना इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आप इसे इजीली ओपन कर लोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत ही तेज़ हो चुके हो। अब फ़ोन को साइड रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है 30W का जो डर्ट चार्जर है, ये देख सकते हैं आप 30W डर्ट चार्जर है, जो कितना बड़ा चार्जर है, जो नॉर्मल फोन होते हैं उनसे तो बहुत ही बड़ा चार्जर है, जिनका 10W का चार्जर आता है। स्पीड भी है और रियलमी अच्छी क्लेम करता है इसकी, कहता है कि रियलमी की तरफ से कहा गया है कि 65 मिनट में ये फ़ोन पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। और इस फ़ोन को मैं एक बार चार्ज करके भी देखूंगा और आपको वीडियो बनाऊंगा कि पूरी चार्जिंग कितने देर में हो जाता है, 65 मिनट में हो जाता है या नहीं हो जाता है, तो आप ज़रूर देखें, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी 2 दिन बाद। और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक और मिलती है मुझे, जो कि USB केबल है, USB 2C टाइप केबल है। और उसके बाद बॉक्स पूरी तरह खाली है, बॉक्स के अंदर कुछ देखने को नहीं मिलता है इससे एक्स्ट्रा। अभी फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और फ़ोन को जैसे इस कवर से निकालते हैं
और देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो मोबाइल है बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ रही है इसके अंदर और ऐसे प्रीमियम फील हो रहा है हैंड के अंदर जैसे बहुत ही फ्लैगशिप मोबाइल हो। और यहाँ देख सकते हैं जो इसके अंदर ग्लॉसी फिनिश है, जैसे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर ग्लास है इसकी बॉडी पर, लेकिन ग्लास नहीं है, ये प्रीमियम लुक केवल ऐसे ही दे रहा है। और आप अगर नीचे की साइड में बात करें तो आप नीचे की साइड में देख सकते हैं USB-C टाइप पोर्ट, माइक्रोफोन, स्पीकर और 3.5 mm जैक आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड में दो वॉल्यूम रॉकर बटन मिलते हैं आपको अप एंड डाउन के, उसके बाद आपको मिलता है सिम ट्रे। और इसके बाद आप देख सकते हैं अपर साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, पूरी तरह साफ है अपर साइड है। अब बात करते हैं राइट साइड की, राइट साइड में आपको एक बटन देखने को मिलता है पावर ऑन ऑफ, एंड साथ में जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है जिस पावर ऑन ऑफ बटन पे दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डुअल बटन कह सकते हैं, डुअल बटन वर्क करता है साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर का, और साथ में ये बटन काम करता है पावर ऑन ऑफ का। आप देख सकते हैं लुक बहुत ही अच्छी लग रही है मोबाइल की, बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। और अब इसका आपको दिया जाता हूँ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट है या कैसा स्लॉट है, अभी मेमोरी कार्ड इसका निकाल के दिया जाते हैं आपको, सिम ट्रे निकाल के जाते हैं इसके अंदर, अलग सिम ट्रे के अंदर डेडिकेटेड दिया गया, किस तरह दिया गया है अभी ओपन कर लेते हैं सिम ट्रे को। और सिम ट्रे को मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है और आप दोनों सिम भी साथ में यूज कर सकते हैं मेमोरी कार्ड के साथ में। अब इसे ओपन कर लेते हैं और जब तक हमारा सेटअप होता है तो इसकी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इसकी 6.5 इंच की आईपैड LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है और 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है और 480 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। जैसे आप बाहर अगर यूज करते हो धूप वगैरह में तो आपको जब भी अच्छे से नजर आएगा इसके अंदर, और बादल वगैरह देखते हैं तो बहुत ही कम बादल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अदर स्पेसिफिकेशन की तो इसके अंदर जो हालियो का G95 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है और 6GB रैम और 64GB रोम के साथ में ये मोबाइल है, और दूसरा वेरियंट है जिसका 8GB रैम और 128GB रोम के साथ में आता है। अगर स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर UFS 2.1 की जो स्टोरेज दी गई है, और रैम की बात करें तो LPDDR4 एक्स टाइप की रैम दी गई है। अगर बात करें इस मोबाइल की बैटरी की तो बैटरी है जो 5000 mAh की बैटरी इस मोबाइल के अंदर हमें देखने को मिलती है और 30W का फास्ट चार्जर मिलता है, डायरेक्ट चार्जर है जो, और रियल भी क्लेम करता है कि 26 मिनट में ये 58% चार्ज हो जाता है और 65 मिनट में पूरी तरह 100% चार्ज हो जाता है। तो इसका हम रियल रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी कितनी देर में चार्ज हो जाता है, 65 मिनट में हो जाता है या नहीं हो जाता है, इसके बारे में आपके चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर बात करें कैमरा की तो इस मोबाइल के अंदर है जो 64MP का मैन कैमरा और उसके साथ में 3 अदर कैमरा के साथ में क्वाड कैमरा आपको देखने को मिलता है, और जो सेकंड कैमरा है अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8MP का देखने को मिलता है, और 2MP का पोर्ट्रेट लेंस मिलता है और 2MP का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट में आपको 16MP का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, और आपको जो इसका कैमरा का कंपेरिजन है रियल मी जो 7 है इसका कैमरा कंपेरिजन रेडमी नोट 8 प्रो के साथ में देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और जो 64MP का जो मैन कैमरा है उसके अंदर IMX682 सेंसर दिया गया जो सोनी का सेंसर है, जो 6 सीरीज थी रियलमी की उसके अंदर में आपको देखने को मिलते थे सैमसंग के सेंसर, लेकिन इसके अंदर आपको सोनी सेंसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से शायद कैमरा में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब बात करते हैं इसके अंदर OS की, तो इसके अंदर रियलमी UI के साथ में एंड्रॉयड 10.0 पर वर्क करता है, और इसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप है लेकिन इतने ज़्यादा ऐप नहीं दिए गए हैं, कुछ ही ऐप इंस्टॉल्ड हैं। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर मोबाइल का मैंने चेक किया था जो बहुत ही अच्छे से बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करता है, फेस अनलॉक भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत स्पीड से आप इसे फेस अनलॉक के साथ में काम कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत ही फास्ट है। और रियलमी दावा करता है कि यह फोन वाटर रेजिस्टेंट है, और उसको IP सर्टिफिकेशन तो नहीं है जो वाटर रेजिस्टेंट का होता है,
फ्लैश प्रूफ होता है, लेकिन फ्लैश प्रूफ नहीं कहा जाता है, हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो जाती है कहीं पे, तो उसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा ये। और इसके अंदर बात करें ब्लूटूथ की, तो 5.0 की ब्लूटूथ इसके अंदर दी गई है, और वाईफाई है जो इसके अंदर डुअल वाईफाई कॉलिंग का फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है, और डुअल 4G वोल्टेज फोन है ये। स्पीकर क्वालिटी भी इस फोन की चेक की थी जो बहुत ही अच्छी है, और बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसके अंदर जो ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी दी गई है, और वाईफाई कॉलिंग का फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है, और ड्यूल 4G वोल्टेज मोबाइल है ये। अगर बात करें इसके स्पीकर वगैरह की, तो बहुत ही अच्छी स्पीकर की साउंड देखने को मिलती है, और बहुत ही लाउड साउंड भी है। कुछ कैमरा सैंपल यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और थोड़ी देर मैंने इसके अंदर गेमिंग की थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी गेमिंग देखने को मिली, यहाँ पर कोई लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला, तो गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। अगर बात करें इसकी कौन की, तो इस मोबाइल के अंदर हमें नोटिफिकेशन लाइट और हमें रेडियो देखने को नहीं मिलता है, तो ये हमें मैन कौन से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आप ज़रूर बताएं आपको अनबॉक्सिंग कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसी तरह की अनबॉक्सिंग वगैरह टेक वीडियोज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की अच्छी वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।